Hello everyone, I'm Himanshu Kaushik. This was my first attempt at UPSC and I've got rank 77. A brief background about me. I'm a computer science engineer. I've worked for 3 years in IT companies and I'm born and brought up in Delhi. My education, I'm not from any IIT or any big college. I graduated from Krishna Engineering College, it's in Ghaziabad, with very average marks, 65%. Then I worked for 3 years in different IT companies at a decent package. But somewhere there was a dream to become IAS and to do some good for the country. And that particular dream has brought me here. If I can tell you about my background and my percentage, in 10th, I scored 87%. In 12th, only 74%. In BTech, only 65%. That includes 2 back re-exams. I'm not here to tell you how to prepare or what should be your strategy. आपको strategy बहुत लोग बताएंगे और शायद हर किसी के पास अपनी strategy होती है और मेरा भी ये मानना है कि आपको अपनी strategy खुद बनानी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये बात share करना चाहता हूँ कि learn to dream. And अगर आपके पास कोई सपना है और आपने सोचा है कि आपको कुछ अच्छा करना है life में, then things will fall into place. आप अगर उस पर मेहनत करोगे तो वो सपना एक दिन सच जरूर होगा और मैं ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है. हमें कोई ये नहीं बोल सकता कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई दूसरा ये काम कर सकता है, अगर मैं पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है. मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होता है जॉब से 3 साल काम करने के बाद रिजाइन करना, किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करना जिसमें लाखों लोग लगे हुए हैं और बहुत ही कम सक्सेस मिलती है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अगर मैंने ये आज नहीं किया तो शायद लाइफ टाइम मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया इस एग्जाम के लिए. एंड आई टुक दैट स्टेप एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड फॉर्चुनेटली सब ठीक हुआ. तो अगर आप में से किसी को भी अपने ऊपर डाउट है कि वो IIT से नहीं है या फिर वो किसी अच्छे कॉलेज से नहीं है तो इट्स नॉट मैंडेटरी. बहुत ही ज़्यादा फेयर एग्ज़ाम है हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, अच्छे कॉलेज से नहीं भी है, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं भी हैं. वॉट मैटर्स इज योर डिटर्मिनेशन एंड द पेशेंस. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो ये कोई ऐसी रेस नहीं है कि आप एक दिन दौड़े और आप जीत जाएंगे इसमें. ये एक ऐसी मैराथन रेस है जिसमें आपको हर रोज़ दौड़ना है और सही डायरेक्शन में दौड़ना है, जिसका रिजल्ट आपको कम से कम भी 1.5 या 2 साल के बाद मिलेगा. पेशेंस रखनी पड़ेगी. ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है या एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बहुत बहुत बार ऐसे दिन आए, हर 10वें दिन ऐसा लगता था कि शायद एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. तो मैं हमेशा यही चीज़ सोचता था कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस जॉब में जाऊँगा. लेकिन शायद वो चीज़ मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें फेलियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा. लेकिन मेरे केस में जब मैं देखता था कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो वो चीज़ मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करती थी कि बस कुछ भी हो जाए फेल तो नहीं होना, करना तो यही है, UPSC क्लियर करना है. इस बार नहीं हुआ तो अगले साल पढ़ना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि इसी साल पूरा पढ़ाई कर लो और पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो एग्ज़ाम. जब भी कभी लगे कि नहीं हो पा रहा है या एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो मैं हमेशा ये काम करता था, मैं जो अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरा छोटा भाई, मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स जिनको एक्चुअली फ़र्क पड़ता है कि मैं लाइफ में सक्सीड करूँ या ना करूँ, मैं उन लोगों से बात करता था और वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी अच्छा होगा. मैं एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे.
18 जून 2017 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, 11 जून 2017 अराउंड एक हफ्ता पहले मेरी दादी जो मेरे बहुत क्लोज थी उनकी डेथ हो गई। मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता था उस टाइम पे, या तो मैं ये सोचता कि इतना बड़ा लॉस हुआ है अब सब खत्म हो गया है मेरे लिए, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उस टाइम पे सिर्फ ये सोचा कि नहीं ये 7 दिन है, पूरे साल मेहनत करी है और अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो मेरी दादी को भी दुख होगा वो जहाँ भी होंगी। तो मैंने उस टाइम पे भी हिम्मत रखी और शायद जब वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो उसके बाद मुझे पता था बॉस अगर यहाँ तक इस कंडीशन में पहुँचे हैं तो अब तो एग्ज़ाम निकालना ही है, अब कोई और ऑप्शन नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी कहानी यूनिक है, मुझे पता है सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी, सब किसी की अलग अलग परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन परेशानियों को, उन नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करिए और चैनलाइज करिए। जब आप इन चीज़ों को चैनलाइज करेंगे, एक जगह फोकस करके मेहनत करेंगे तो बॉस आज नहीं तो कल रिजल्ट तो पक्का आएगा। बस वो कहते हैं ना वो आग रहनी चाहिए अपने अंदर, जब तक वो आग है तब तक आप लड़ते रहोगे, जिस दिन वो आग खत्म हुई तो आप लड़ना बंद कर दोगे, आप हार मान लोगे। हार नहीं माननी है और कोई आपको नहीं बता सकता कि आप हारोगे। अगर मैं पढ़ाई की स्ट्रेटेजी की बात करूं कि जो मैंने फॉलो करा है, तो आई हैव ऑलवेज बिलीव डेट कीप इट सिंपल। बहुत ज़्यादा सोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कोई डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, हमें एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम एक या दो रेफरेंस बुक उठानी है। वो इसलिए करना है क्योंकि अगर हम बहुत सारी बुक्स को फॉलो करेंगे तो अलग अलग टाइप के थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे और सब क्लटर्ड हो जाएगा, वो नॉलेज फोकस्ड नॉलेज नहीं होगी। इसके लिए पहले आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, स्टार्ट विद 10th स्टैंडर्ड। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है तो आप 8th क्लास की एनसीईआरटी पिक करिए, उसके बाद 10th के बाद 11th एंड 12th। ये 3 साल की एनसीईआरटी मैंडेटरी हैं। इनके अलावा आप कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको अच्छी लगती है, इंटरनेट पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए कौन सी नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो बुक सही लगे आप एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। ये एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन का कोर बनाएगा। बाय दिसंबर ये होना चाहिए कि आप एटलीस्ट एक बार सारा कोर्स रिवाइज कर सकें, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें आप अपनी तरफ से, जिसमें एनसीईआरटी रेफरेंस बुक और आपका ऑप्शनल जरूरी है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो दोनों में कहीं भी कोई लिंक नहीं था। मैंने सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में सारे ऑप्शनल्स की लिस्ट देखी पहले, कौन कौन सा ऑप्शनल है और किसमें क्या क्या कंटेंट है। उसमें 2 या 3 ऑप्शनल मैंने शॉर्टलिस्ट करे, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को 15-15 दिन दिए एंड आफ्टर दैट आई वॉज एबल टू रियलाइज़ कि अगर 1-1.5 साल कोई सब्जेक्ट चलाना है तो उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो इंटरेस्ट मुझे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आया। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करा जाए कौन सा नहीं किया जाए। दिसंबर तक यही अप्रोच फॉलो करनी है, कोर्स कवर करना है। आफ्टर दिसंबर जो आपके मंथ होते हैं जनवरी और फरवरी के, वो आप कम्प्लीटली इस पर्टिकुलर कोर्स को रिविजन के लिए रखिए। जो भी आपने दिसंबर तक पढ़ाया उसको आप रिवाइज कीजिए जनवरी एंड फेब में। अब आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने बचेंगे प्रीलिम्स के लिए, इन 3 महीने में आपको डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो भी करंट अफेयर्स के मॉड्यूल या मटेरियल आपने पढ़ा है पूरे साल आप उनको रिवाइज कर रहे हैं। प्रीलिम्स से 3 महीने पहले नॉर्मली हमारे पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल आता है प्रीलिम्स का, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के आते हैं, आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं, उसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज होगा। आप वो करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ अपना रिविजन कंटिन्यू करिए एंड टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहिए। ये स्ट्रेटेजी हमें 3 महीने तक चलानी है एंड किसी भी हाल में प्रीलिम्स क्लियर करना है। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मॉक टेस्ट में कभी भी 100 मार्क्स नहीं आए, हमेशा बिलो 90 रहते थे, बट आई न्यू कि जो मैटर करता है वो उस दिन मैटर करेगा, वहाँ कितना स्कोर कर रहे हैं हम।
मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए अपना, एंड फॉलो योर ओन स्ट्रेटजी एंड प्रीलिम्स अच्छे से देके आइए। मैंने भी इनफैक्ट यही सब फॉलो किया था, और जब प्रीलिम्स एक बार हो गया क्लियर तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि अब कैसे कैसे आगे टैकल करनी है चीज़ों को। जब मेंस का पार्ट आता है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपको अराउंड 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस लिखने हैं और बहुत ही जल्दी स्पीड में लिखने हैं। अराउंड 8 मिनट से एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन सोचना भी है, क्वेश्चन लिखना भी है। उसके लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने इनफैक्ट GS स्कोर में मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज लगाई थी, यहाँ पे मैंने यहाँ से एसए एंड GS की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, और जो फीडबैक मेरे को मिला उसने मेरे को काफ़ी हेल्प करा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो आप भी किसी भी मॉक टेस्ट को उठाइए या फिर कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, जहाँ से आपको एटलीस्ट अपने आंसर राइटिंग का पता लग सके और आपको ये पता लग सके कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और कहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट 7-8 दिन होते हैं वो मेंस के, आपको ऐसा लगता है कि आप कहाँ आ गए हैं, ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है। पहले एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक और टेस्ट, फिर शाम को भी आप आराम से सो नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि अगले दिन दोबारा टेस्ट है। चैलेंजिंग है, लेकिन जितनी बड़ी लड़ाई होती है रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। 7 दिन के बाद अगर आपने 7-8 दिन अच्छा परफॉर्म करा है तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे जो इंटरव्यू। मेरे केस में एक्चुअली क्या हुआ कि व्हेन द मेंस एग्जाम वर ओवर, मैंने अराउंड 1 या 1.5 महीना टाइम पूरा वेस्ट करा। मैंने उस पर कुछ भी नहीं किया, मैंने ना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा, ना मैंने करंट अफेयर्स फॉलो करे तरीके से। बस मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ता रहा, जो मैंने 1.5 ईयर्स कंटिन्यूसली पढ़ा है, डेट कुड बी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको सूट करे। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था। मेंस के बाद मैंने अपना टाइम जो 1.5 मंथ वेस्ट करा, माइट बी वो बेटर यूटिलाइज हो सकता था। वही एक ऐसा पोजिशन है जो मुझे लगता है कि पिछले 1 या 1.5 साल में मैंने थोड़ा भी टाइम कॉम्प्लेसेंसी दिखाई, तो उस टाइम को भी बेटर यूटिलाइज करा जा सकता है। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आइडिया नहीं होता कि हमें कैसे अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना है, हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन्स। आई नो यू विल हैव नॉलेज, यू विल हैव सफिशेंट नॉलेज, बट द थिंग इज वेदर यू आर एबल टू आर्टिकुलेट दैट विद इन फ्यू सेकेंड्स। फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बहुत तरीके हैं। आप इन फ्रंट ऑफ मिरर यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन ज्वाइन एनी मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं डिस्कशंस में, जहाँ पे आपको नॉलेज ट्रांसफर भी मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपने व्यू पॉइंट रखने हैं। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी इंटरव्यू के लिए बहुत सही है। और इसके अलावा इंटरव्यू से ठीक 2 या 3 महीने पहले एक अखबार पर फॉलो मत कीजिए, स्टार्ट रीडिंग 2 or 3 newspapers, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदुस्तान टाइम्स। दीज 3 आई फॉलोड, यू कैन फॉलो दैट एज वेल। सो येस, डैट्स माई स्ट्रेटेजी। आई नो यू गाइज विल हैव योर ओन स्ट्रेटेजी, बट द थिंग इज कहीं से भी जो भी आपको पॉजिटिव लगे किसी की स्ट्रेटेजी में, आप वो पॉइंट अप्लाई करके देखिए। अगर आपको सुटेबल लग रहा है तो यू कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दैट इन योर प्लान। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैंने 2013 में सबसे पहले इमेजिन करा था कि मैं IAS के लिए प्रिपेयर करता हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उन सब ने मुझे बोला कि तुम्हारी अभी अभी जॉब लगी है, तुम आई थिंक यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर सेल्फ, यू आर टू ओवर कॉन्फिडेंट टू थिंक दैट यू विल बिकम IAS, सो कीप ऑन कंटिन्यूइंग द जॉब एंड डोंट थिंक अदरवाइज। कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हुआ ये सुन के, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत कम हो गया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग, आई वर्कड फॉर 3 more years। देन वन डे आई रियलाइज्ड कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आई वुड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ बट देयर वुड ऑलवेज बी अ रिग्रेट
कि मैं जो चाहता था मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया। मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है, और अगर ज़िंदगी में हम कुछ भी करना चाहते हैं, बीट फॉर द कंट्री, बीट फॉर द फैमिली, इन डिफरेंट स्पेयर्स, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, वेदर यू वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट, वेदर यू वॉन्ट टू बी ए मूवी स्टार, जस्ट गो फॉर इट। डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, बिकॉज द मोमेंट इज राइट हियर। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया है, बस एक चीज़ याद रखना, कुछ भी लाइफ में ईजी नहीं है, डिटर्मिनेशन चाहिए। देयर वुड बी बैड डेज, देयर वुड बी टाइम्स जब आपको लगेगा कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आपको उस वक्त भी मेहनत करनी है, एंड बिलीव मी गुड रिजल्ट्स विल कम। आई नो प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर, सो ऑल द बेस्ट टू यू।